अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू मलिक शज़ाइब। आज के इस लेक्चर में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, नाम में ही ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है कि हम ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करते हुए प्रोग्रामिंग करेंगे, इसका जस्ट ये मतलब है, सही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये आते कहाँ से हैं। उसका आंसर ये है कि ऊप में हम रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग करते हैं, और रियल वर्ल्ड का मतलब है हमारी जो दुनिया है। हमारी दुनिया में हर चीज़ एक ऑब्जेक्ट है, सही। जैसे फॉर एग्जांपल शाहज़ेब, मैं भी एक ऑब्जेक्ट हूँ, आप भी एक ऑब्जेक्ट हो। हाउस मेरा घर एक ऑब्जेक्ट है, कार एक ऑब्जेक्ट है, फूड ऑब्जेक्ट है, कीज ऑब्जेक्ट है, पेन ऑब्जेक्ट है, मोबाइल, पेपर, शर्ट, यानी कि हर चीज एक ऑब्जेक्ट है, सही है। तो ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये रियल वर्ल्ड से आते हैं, और रियल वर्ल्ड में जितनी भी चीजें हैं, लैपटॉप, हर चीज एक तो अब आपको ये पता चल गया कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो रियल वर्ल्ड से आते हैं, और रियल वर्ल्ड में हर चीज एक ऑब्जेक्ट होती है। सेकेंड चीज आपने ये देखनी होती है कि वो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ किस तरह इंटरेक्ट करते हैं। ये सारी चीजें हम लोगों को पता है कि किस तरह इंटरेक्ट करते हैं ये ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमारी जिंदगी से लिए गए हैं ना ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ से ये फर्स्ट फोर जो उनसे हैं ऑब्जेक्ट्स, इनको मैं लेता हूँ। मैंने फर्स्ट लिया ऑब्जेक्ट शाहज़ेब, हाउस, कार और फूड, ठीक है। शाहज़ेब, हाउस, कार और फूड। अब मुझे पता है कि शाहज़ेब एक लड़का है, ठीक है, और ये क्या करता है, फूड को ईट करता है। शाहज़ेब कार को ड्राइव करता है, शाहज़ेब घर के अंदर रहता है, ठीक है। ये वाले इंस्ट्रक्शंस मुझे पता थे, ये आपको भी पता है। ऐसा नहीं हो सकता कि शाहज़ेब जो उनसा है फूड को ड्राइव करता है और कार को ईट करता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये सारी बातें हमें पता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट दूसरे के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करेगा, ठीक है। जैसे ये ऑब्जेक्ट था, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है गाड़ी, शाहज़ेब गाड़ी को ड्राइव करता है, ठीक है, ईट नहीं कर सकता। ये हमें इंट्रैक्शंस पता है। तो बेसिकली हमने करना ये है, ऊप के अंदर जो भी हमें प्रोग्राम बनाने के लिए दिया जाएगा, हमने क्या करना है कि उसके अंदर से हमने ऑब्जेक्ट्स को फाइंड करना है, सही। ऑब्जेक्ट्स फाइंड करने के बाद हमने ये देखना है कि वो किस तरह एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। जब हमें ये पता चल जाएगा तो जस्ट फिर हमने उसकी प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर देनी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये हम प्रोग्रामिंग में कोडिंग से कैसे बनाएंगे, फिर ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं आपस में एक दूसरे के साथ कोडिंग में किस तरह इंटरेक्ट करवाएंगे। तो ये सारी चीज़ें ऊप के जो टॉपिक्स हैं, ये कुछ टॉपिक्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं और ETC लिखा है, ये जब हम पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उसके अलावा मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इससे पहले मैंने C++ की प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स की एक प्लेलिस्ट बनाई थी, जिसमें मैं हमने बेसिक चीज़ें पढ़ी हैं, वो आप ज़रूर देख लीजिएगा अगर आपके कॉन्सेप्ट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। लेकिन अगर आप वो पूरी प्लेलिस्ट नहीं देख सकते तो ये वाले जो टॉपिक्स हैं लिखे हुए हैं ये ज़रूर देखिएगा, इनके बगैर आपको ऊप पढ़ने में या प्रॉब्लम सॉल्व करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। और इसके अलावा अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई या किसी तरह की कोई परेशानी है प्रोग्रामिंग के रिलेटेड, लॉजिक बनानी नहीं आती, तो आप मुझे फेसबुक पे मैसेज करके या कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।